नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और ये क्वेश्चन एचएसएससी क्लर्क के एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो टाइम लगा देते हैं। हम इस क्वेश्चन को डिजिटल सम की सहायता से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है देखो, है कुछ नहीं, वर्गमूल करना है किसका, 14, 71, 379 का वर्गमूल करना है। लेकिन करना क्या है, अब आपको ये पता है कि 14, 71, 379 का वर्गमूल करना है और उसके बाद में इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर आएगा, यानी इनका स्केयर ये संख्या रही होगी। तो हम क्या करेंगे, डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का तब तक योग करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो हम इनका डिजिटल सम करके और उस डिजिटल सम का स्केयर कर देंगे, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 7 का स्केयर 49 का कितना होगा, 9 और 4 13, 13 का 4। यहां से डिजिटल सम कितना आ रहा है, उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 9 है, 6 और 3 9, 9 को काट देते हैं डिजिटल सम में, 7 और 2 9 4 आ रहा है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी आंसर ये होगा। लेकिन बाकी को चेक कर लेना है, क्यों, क्योंकि अगर किसी और का 4 आ रहा है तो करना पड़ेगा चेक, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि 2 का आता हो। देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 का स्केयर करोगे 64, 64 का 10, 10 का 1 होता है, ये नहीं हो सकता आंसर। 2 और 1 3 और 6 9, 9 का स्केयर 81, 81 का फिर से 9 होता है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का स्केयर 1 होता है, ये भी नहीं हो रहा, यानी एक ही आंसर है ए ऑप्शन। तो एक ही आंसर आपको, और ये वही ऑप्शन है जो पेपर में दिए गए थे, तो आप बिल्कुल सेकंडों में आंसर कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। और ऐसी ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।